अश्मित, केट और विक्रांत हमारे साथ में है, जो कुछ नया लेकर आया है। कितना नया है ये वो उनसे ही पूछते। रूहदार है काफ़ी। रूहदार है काफ़ी, एक शॉर्ट फिल्म है, बॉलीफेम ऐप पे रिलीज़ होगी ये 3 अप्रैल को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक लव स्टोरी है, एक थ्रिल एलिमेंट है इसमें, और एंड में जाके एक पैरानॉर्मल एलिमेंट भी है इसमें। नाउ I've revealed too much. मेरे डायरेक्टर वहाँ से मुझे घूर रहे हैं कि ज़्यादा मत बोलो अश्मित। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ग्रेट परफॉर्मेंस बाय केट, हु सरप्राइज मी विद सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आई थॉट आई वाज वर्किंग विद माधुरी दीक्षित, शी इज सो गुड। केट मतलब ये कॉम्प्लीमेंट, माधुरी जी आई स्टिल लव यू, यू आर द बेस्ट। केट क्या कहेंगी आप, तो अश्मित की माधुरी बन गई अब। मैं खुद अनिल कपूर को देख रही हूँ पे। एक्चुअली यार सच में बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके, और मैं खुद ये स्टोरी इतनी अच्छी है, इमोशनल है। मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ करना चाहती थी जो ऑडियंस को पता लगे कि लाइक परफॉर्मेंस वाइज एंड एवरीथिंग, मैंने अभी तक वैसा कुछ किया नहीं है। लाइक अश्मित वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज मेरे को लेकर के, अच्छा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन या इट हैज़ वेंट ऑल वेल एंड डायरेक्टर काफ़ी अच्छे थे हमारे, स्टोरी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया एंड ही इज़ द स्वीटेस्ट गाय यार। रूहदार क्यों? सी रूहदार स्टोरी बेस्ड है बिकॉज इट्स अ स्टोरी अबाउट टू सोल्स, रियलिज्म से थोड़ा सा हटके है, लाइक यू नो दैट इज अ पैरानॉर्मल एलिमेंट एज वेल। तो जब आप पूरी फिल्म देखते हो तो तब आपको लाइक यू गेट टू नो कि रूहदार इज़ एन ऐप नेम फॉर द फिल्म, तो वो स्टोरी के हिसाब से रूहदार रखा गया है। लाइक इट्स इट्स अ थ्रिल एलिमेंट इज देयर एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट लव स्टोरी अबाउट टू सोल्स। सम कनेक्शंस आर सोल कनेक्शंस, दे आर नॉट रियल एंड दैट्स ऑल। They are not in this realm, but they are even more real because they are at a different plane. बहुत ज़्यादा बोल दिया हम लोगों ने। धीरे धीरे सारे राज जो है निकाल दिया आपने हमने हमें से। No, no, don't do this. You're very shrewd. काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर अश्मित लोगों से रूबरू होंगे, कहेंगे OTT के। हाँ, मेरी लास्ट रिलीज पेशावर थी जो कुछ 3-4 महीने पहले रिलीज हुई। उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया। आई प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसमें, आई प्लेड कैरेक्टर बाबू शामिल, हु इज़ रियल लाइफ टेररिस्ट मास्टरमाइंड, तो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और इसमें भी आई एम प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, सो मास्टरमाइंड का एग्जैक्ट ऑपोजिट। ही हैज नो माइंड, ही हैज जस्ट सोल। सोलफुल रहने वाली है ये। नाम रूहदार है, दैट्स ऑल, इट्स वेरी इमोशनल एंड इट्स एट द सेम टाइम थ्रिल भी है, एक्साइटिंग है, लास्ट में ट्विस्ट है अच्छा। लेकिन 25 मिनट में आप सब कुछ दिखा दिया हम लोग ने, झगड़ा, लड़ाई, प्यार, मोहब्बत, ट्विस्ट, एवरीथिंग। और एक गाना भी है। एक गाना भी है इसमें, बहुत प्यारा गाना है। शूट एक्सपीरियंस थोड़ा बताए, कहाँ शूट हुआ, कैसा रहा है? यहीं पे मुंबई में मड आइलैंड में हमने शूट किया। एक बहुत खूबसूरत बंगला ढूंढ के रखा था विक्रांत जी ने, और वहीं पे पूरी फिल्म ऑलमोस्ट शूट हुई है। एक दो और लोकेशंस थे छोटे छोटे जो हमारे सीन्स थे हमने वहाँ पे किए, लेकिन ज़्यादातर जो फिल्म है इस घर के अंदर है। एंड ब्यूटिफुली शॉट बाय मिस्टर विक्रांत, हू इज़ द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, पर ऐसे लगा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। यही है वो आदमी, नया टैलेंट। अभी से साइन कर लो इनको। हाँ। और हमें पास कर लो। क्या कहना चाहेंगे, अभी OTT पर आ रही है? देखिए, पहले तो ये बॉलीफेम ऐप पे आ रहा है जो लॉन्च हो रहा है इस शो से, और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड करिए और आपको इस खूबसूरत लड़की को देखने का मौका मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री में। इट्स अ नो ब्रेनर, प्लीज डाउनलोड करिए यार, इफ नॉट फॉर मी एटलीस्ट फॉर हर।
बट ऑनेस्टली इस पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी है, काफी कुछ है, म्यूजिक वीडियोज होंगे, शॉर्ट फिल्म होंगी, एंड देन बच्चों के लिए भी शोज है, मतलब एवरीथिंग ऑन दिस वन ऐप। स्टार्स के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइव शोज भी होंगे, लाइव लाइव इंटरेक्शन आप केट शर्मा के साथ कर सकते हैं। अरे यार मेरी इतनी तारीफ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।